हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और आज दिन की शुरुआत करी है मैंने मंदिर की सफाई से, क्योंकि काफ़ी दिन से डस्ट ज़्यादा उड़ रही है आजकल, और मंदिर की सफाई मैंने की नहीं थी, 8-10 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज सफाई कर लेते हैं। और आज मैंने काफ़ी बड़ा काम छेड़ रखा है, तो वो भी साथ साथ चल रहा है और मंदिर की सफाई भी चल रही है, तो वो भी आपको पता लग ही जाएगा कि क्या काम छेड़ रखा है। और अभी तो मैं फ़िलहाल मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, और मंदिर साफ़ करके, और सुबह का टाइम है, अभी 6 बजे हैं, 6:15 बजे हैं। और यही काम है, कंबल धो रही हूँ आज मैं सारे जितने भी हैं, और मंदिर के कपड़े भी लेके आ गई हूँ, इन्हें हाथ से धो दूँगी पहले आराम से। माता की ड्रेस है और जो बिछाने के कपड़े हैं मंदिर में जितने भी हैं, सब इनको पहले हाथ से धो दूँगी और फिर कंबलों में लगूँगी, क्योंकि फिर कपड़े गीले हो जाएंगे ना, तो इसलिए बैठ नहीं पाएंगे। तो अब मैं ये सारे कपड़े इजी में धो रही हूँ, और फिर इस पानी को भी इसी में डाल दूँगी मशीन में, क्योंकि काफ़ी सर पर माता के कपड़े को इतने ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। और मैंने एक कंबल मशीन में धोया है आधा आधा लटका के, और अगर आपने वैसे भी अगर आप उन्हें टप में धोना है तो ऐसे टप में आप पीजी में भिगो रखा था मैंने कंबल, और इसको ऐसे पैरों से आप अच्छे से इस तरह क्रश करते रहिए, कूदिए इसके ऊपर, दो काम हो जाएंगे, आपका कंबल भी साफ़ हो जाएगा और आपकी एड़ियाँ भी साफ़ हो जाएंगी। तो लगभग 10 मिनट आप करिए तो कंबल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और डायरेक्ट पानी चला कर कंबल धोते हैं तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, और मैं ड्राई क्लीन में विश्वास नहीं करती, कभी भी मैंने अपने कंबलों पर ड्राई क्लीन नहीं करवाई है, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कैसे पानी में धो के देते हैं, तो इसलिए मैं खुद ही धोती हूँ। 1 ईजी की बोतल लग जाती है, लेकिन मेरे को तसल्ली होती है कि हाँ मैंने अपने हाथ से धोए हैं, साफ़ पानी में धोए हैं, और ये साफ़ हैं, हाइजीन है। और मैं हमेशा कंबल धो के ही रखती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करती कि धो बिना धोए रख दूँ और फिर सर्दियों की जब शुरुआत होगी तब धोऊँगी, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, हमेशा अपने कंबल में धो के ही रखती हूँ, क्योंकि बिना धोए रख देते हैं ना तो कीटाणु फिर उनमें और ज़्यादा बन जाते हैं, बदबू सी आने लगती है, इन्हें अच्छे से धो के पैक करके रख दूँगी। अब मेरे पास एक ये जाली वाली टोकरी है, तो इसमें मैं अच्छे से इन्हें रख के निचोड़ दे रही हूँ, तो ये ड्रायर का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मोटे हैं कंबल, तो टाइम लगेगा सूखने में, लेकिन इससे होगा क्या कि जितना एक्सेस पानी है वो सब निकल जाएगा, ऊपर ले जाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतने भारी कंबलों को ऊपर ले जाना भी महाभारत है। और कमर टूट गई है बिल्कुल, ये बड़े जो मोटे वाले थे ये तो दोनों धुल गए हैं, अभी बचे हैं थोड़े हल्के वाले, ये भी थोड़ा भारी है, तो अभी देखो कैसे धोती हूँ आधे आधे। इस तरह मैंने आधा कंबल इसमें डुबो दिया है, अब ये आधा धुल जाएगा, तो तब तक मैं वो झकोल रही हूँ दूसरे वाले, और ये धुल जाएगा जब मैं इसको गीले वाले को बाहर निकाल दूँगी, सूखा वाला अंदर डाल दूँगी। तो अगर आप वैसे नहीं धो सकते तो मशीन में इस तरह धुल जाते हैं कंबल, हल्के भारी आप कैसे भी धो सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपका कंबल हल्का है तो उसे साइड में कुछ उस पर वेट रख दीजिए ताकि सारा मशीन में ना जाए, ये काफ़ी बड़ा कंबल है तो इसलिए आधा बाहर लटक रहा है और आधा धुल रहा है। और इस सारे काम में मेरे को 2-3 घंटे लग गए। और ये जो एक तो कंबल का कवर है और एक ग्रीन वाला हल्का कंबल है, तो ये तो मशीन में ड्रायर हो गए तो इसलिए इनका तो ईजी हो गया मेरे लिए। अब इसको मैं ऐसे निकाल देती हूँ, और इनको मशीन में से निकालना भी महाभारत काम है, बहुत ज़्यादा बहुत वजन हो जाता है, हिलते भी नहीं है, ये एनाकोंडा से हो जाते हैं। अब बस ये धुल जाएगा, बस यही कंबल रह रहा है, बाकी सब तो कपड़े धुल गए हैं मेरे। मशीन को साफ करके रख दूंगी अंदर, अभी नहीं रखूंगी, अभी तो सूखेगी, पहले कंबल में से पानी टपक रहा है, अभी तो पहले नीचे जाके नहाऊंगी। और ये कंबल भी मैंने इस पे मशीन पे लटका दिया, इसको बंद करके तार निकाल दिया ताकि ये भी निचड़ जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये ड्रायर में नहीं आएगा, ये बड़ा है कंबल।
तो इसको भी ऐसे रख देंगे ताकि इसका पानी नहीं चढ़ जाए सारा। तो ये धुल के तैयार हो गए हैं मेरे कंबल, कंबल धुल गए हैं सारे और हालत बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल थक गई हूँ पूरी तरह से। अब बहुत धीरे धीरे से नीचे जा रही हूँ क्योंकि पैर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चिकने सर्फ के पानी में, ईजी के पानी में। बस अब पहले नहाऊंगी उसके बाद कुछ और काम होगा, इतना कंबल का पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। पहले मैं मोटर बंद कर देती हूँ एक बार। डर लग रहा था कभी करंट लग जावे, नंगे पैर हूँ, गिल्ली हो रही है पूरी। तो चलिए हम नहा लेते हैं पहले फटाफट। राम राम जी। कहाँ पर रखो दीदी? झूले पर? हाँ झूले पर। और झूले गंदा था ना? इतना गंदा ना है, कर दिया था। चल अब बस एक ही दिन का सक्का कर दिया फिर मैंने, रोज रोज क्या ही करती। हाँ फिर बीमार पड़ने का इरादा है। नीचे से कंबल लाने में हालत खराब होगी और अभी नहा कर पूजा करके चाय नहीं पी, पहले कंबल सुखाने आ गई ताकि धूप लग जावे और आज ही सूख जावे। और मेरी और रेनू की हालत खराब होगी, सांस चढ़ गया बहुत बुरा। और अब मैं पहले दीवार जो बाउंड्री है ना इस पे कबूतर बैठते हैं तो निशान से हो रखे हैं और कबूतर पोटी भी कर देते हैं और धूल भी लगी हुई है, तो कंबल मुझे सुखाने हैं। तो आप कितना भी बचा के सुखा लो तो लग ही जाता है, तो पहले मैं इनको धो लेती हूँ पूरी बाउंड्री को, उसके बाद सुखाऊंगी। अब मैंने पूरी बाउंड्री को दो बार धो दिया है अच्छे से, हाथ से क्लीन किया है बिल्कुल अच्छे से ताकि धूल वगैरह ना हो इस पर। और मैं एक एक करके कंबल सुखा दूंगी अपने हैं। और अब वह चला गया है वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए और पायल भी घर पर नहीं है, पायल गई हुई है मेरठ अपनी बुआ के पास। तो मैं अपने आप को इतना बिजी रख रही हूँ ताकि मुझे बच्चों की याद ना आए, क्योंकि अगर मैं फ्री रहूँगी तो मुझे फिर बच्चों की कमी लगेगी कि भाई बच्चे नहीं हैं। जब तक आप काम करते रहते हो ना तो आपको मतलब याद थोड़ी कम आती है। अब बच्चों को अपना काम था तो उन्हें तो जाना ही है, देखो पढ़ाई करनी है, भविष्य बनाना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैंने ये आज का दिन भी इतना ज़्यादा बिजी गुजारा है अपना, और इससे जो पिछला दिन गया है वो भी 20 को गया है वह, तो 20 वाला डे भी, क्योंकि अगर फ्री रहूँगी तो याद आएगी और फिर जब बच्चों की याद आते हैं तो फिर रोना आ जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ ताकि बच्चों की याद थोड़ी कम आए। और ये कंबल तो रेड वाला तो अभय लेके आया था, उसने ले जा रखा, तो ये भी धोया और मैंने अपने वाले भी नहीं धोए थे, यही था कि सारे एक ही साथ धो लूँगी क्योंकि जब ईजी घोलते हैं तो फिर सारे एक साथ ही धुल जाते हैं, तो इसीलिए बस इसका वेट कर रही थी मैं। और अब धूप इतनी अच्छी पड़ती है, मतलब मोटे वाले 2 दिन में सूख जाते हैं और ये जो हल्के वाले हैं ये तो एक ही दिन में सूख जाएंगे। और रेड वाले कंबल में अभी इतना पानी है कि मैं इसे तार पर नहीं डाल सकती क्योंकि तार एक कंबल के वेट से ही बहुत नीचे झुक गया है। तो अभी इसको मैं झूले पे डाल के जा रही हूँ क्योंकि जब पानी इसका एक्सिस पानी इसका नीचे चढ़ जाएगा तब मैं इसको आके वापस सुखा दूंगी तार पर। अभी मैं नीचे जाके कुछ खाना बनाती हूँ। सुखा दिए हैं, लाल वाले कंबल में ना ज़्यादा पानी था तो इसलिए मैंने वो झूले पर डाल दिया है, जब थोड़ा पानी टपक जाएगा उसका तब सुखा दूंगी तार पे। वरना था पता लगा तार ही टूट गया, वजन बहुत ज़्यादा हो गया है दोनों गिल्ले कंबलों में। तो मशीन को अंदर कर देती हूँ पहले।
और मंदिर के कपड़े धोए थे सारे सूख गए, गर्मी इतनी है मिनट में कपड़े सूख गए मिनट में। खाने में बना लिया फटाफट नमकीन रवे, बॉयल आने वाला है, छोंक दिया है ये रवे निकाल कर रख दिया, मटर टमाटर और वो प्याज व्याज में छोंक दिया अच्छे से, आलू वालू डाल कर खदक रहे हैं। अभी डाल दूंगी, चाय बन गई है, बन गया नाश्ता, नमकीन जमे मटर वटर डाल के और चाय। आ जाइए आप भी खा लीजिए। और अब खाना खाने के बाद मैं आई हूँ ऊपर दोबारा से इस कंबल को सुखाने, क्योंकि ये काफ़ी निचड़ चुका है, तो अब मैं इसको डाल दूँगी क्योंकि हैंग होकर जल्दी पानी इसका टपक जाएगा, और एक दो बार बीच में आकर फिर इसको निचोड़ दूँगी तो ये कल तक ओके सूख जाएगा। और अभी रेनू भी चली गई है, हमने नाश्ता वास्ता करके तब ऊपर आई थी, और अभी भी वजन से तार इतना नीचे लटक गया, तो मैंने एक लकड़ी लगा दी है ताकि कभी टूट जाए, तो मुझे डर लग रहा था तो मैंने एक लकड़ी लगा दी है उसके सपोर्ट में। और ऊपर जाती हूँ ना तो देखो कबूतर तुरंत उड़ कर आ जाते हैं दाना लेने के लिए। और अभी जब कंबल सुखाने गए थे जब डाल के आए थे, अब फिर आ गए हैं और कंबल मेरे सारे सूख रहे हैं, 5 कंबल धुले हैं, देखो थोड़ा बहुत दाना पड़ा होगा ना तो उसे चुग रहे हैं। इनका यहीं पानी भर के रख देते हैं हम। रसोई क्लीन है पूरी और मंदिर साफ़ होने के बाद ऐसा लग रहा है, और मैंने पूजा किए हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है अब, लेकिन मैं जब तुरंत ऊपर चली गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई थी, अब वापस आई तो तब बनाई थी, तो अब तक एक जोत तो बढ़ गई थी और एक जोत अभी भी चल रही है। माता रानी की ड्रेस भी चेंज कर दी है और अपने ही बागीचे से फूल लाकर सजा रखे हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। राधे राधे।